खबर केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हीना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। खड़गे ने 21 दिसंबर को बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक, 2024 के चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में धमाका, 9 लोगों की मौत। सूरत पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, डायमंड सेंटर का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में 19 दिसंबर को होगा विष्णु देवी कैबिनेट का विस्तार। छत्तीसगढ़ सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर शहीद, एक कांस्टेबल जख्मी। बिहार एसआई भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए एआई का होगा इस्तेमाल। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे पीएम मोदी, भारत संकल्प यात्रा की प्रदर्शनी का करेंगे निरीक्षण। राजस्थान अजमेर में डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग, 2 युवक जिंदा जले। संसद सुरक्षा में सेंध मामला, दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से बरामद किए आरोपियों के फोन के पार्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का समर्थन, दिल्ली एनसीआर के हजारों राइडर्स ने निकाली बाइक रैली। दिल्ली गुलाबी बाग इलाके में नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक गिरफ्तार। केरल पुलिस ने 52 वर्षीय महिला से रेप के आरोप में असम के निवासी को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी आज करेंगे सूरत डायमंड बोर्स और एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन। दिल्ली में 60 वर्षीय महिला के हत्या कर शव को बेड बॉक्स में छिपाने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार। हरियाणा के सिरसा में आज कांग्रेस निकालेगी किसान मजदूर आक्रोश रैली। इटावा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक दुकान में जागरूकता, हादसे में 2 की मौत। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मनोज चरांगे से अस्पताल में की मुलाकात। ब्रिटेन में लापता है भारतीय छात्र, विदेश मंत्री जयशंकर से मदद की गुहार। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर। सूरत से दोपहर 3 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। ओडिशा के राउरकेला में डायरिया का प्रकोप, 5 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा बीमार। सूरत की भव्यता में आज एक और डायमंड जुड़ा, डायमंड बोर्स के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में रात बिताकर तोड़ा मिथक, बोले बाबा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के राजा। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।